हाय फ्रेंड, मेरा नाम अतुल मैथिल, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएचक्यू रिलेशन आर्मी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ओपन और रिलेशन भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जैसे कि मैंने किया हुआ है, और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर देना। इससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आपने हमारी ये वीडियो चेकआउट नहीं किया तो भाई इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। जो भाई रिलेशन वाला बंदा है भाई, मद्रास रेजिमेंट सेंटर में स्पोर्ट्समैन की भर्ती निकल चुकी है, इसको आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। और स्पोर्ट्स जिसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि भाई मैंने ये ARO मंडी का नोटिफिकेशन है जो कि हमने जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी इसे वहीं से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें जो हमारी हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी यानी कि ओपन और रिलेशन भर्ती निकली, आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मंडी HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, और जो कि भाई ये पड़ता ही हमारी पांडाल ग्राउंड मंडी हिमाचल प्रदेश में जो आपकी रैली होगी। और भाई कब से कब तक होगी आपको मैं बता देता हूँ, 1 जून से 8 जून तक होगी भाई, ठीक है। 1 जून से 8 जून तक आपकी भर्ती होगी, और भाई इसमें वही बंदे जा सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है भाई, ये आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी स्टेट के देख सकते हैं। और तो दोस्तों, आपको बता दूं जो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है भाई, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके चलेंगे 2 अप्रैल से, यानी कि आज से ही मैं 2 अप्रैल को भाई इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और भाई आपके जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप 16 मई तक करवा सकते हैं, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, उसमें आपको डेट बता दी जाएगी कब से कब तक आपकी भर्ती है, और यानी कि कौन कौन सी ट्रेड से कौन कौन से जा सकते हैं। और दोस्तों, फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा जो कि हमारी भर्ती भाई 20 मई से, ठीक है भाई, 20 मई से 23 मई तक चलेगी, ये रही भाई 20 मई से 23 मई तक आपकी भर्ती चलेगी। और भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेड से आप भर्ती देख सकते हैं, सोल्जर GD भाई और सोल्जर क्लर्क, ठीक है भाई, सोल्जर GD और सोल्जर क्लर्क से आप देख सकते हैं। और आपकी एज क्या होनी चाहिए भाई, एज आपकी यहाँ पर है, आप इसे भी चेकआउट कर लेना। और भाई, और इसमें जो आपकी फुल टाइट एरिया है आप इसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपकी वेट कितना होने चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। फिर चलते हैं भाई हम एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए भाई, यहाँ पर वो मेंशन की हुई है, आप इसे भी चेकआउट कर लेना। और आपको मैं बता दूं, अगर आप सोल्जर GD की भर्ती देखोगे तो भाई आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, अगर आप सोल्जर क्लर्क की भर्ती देखोगे तो भाई आपके पास 12th प्लस में PCM और मैथ और इंग्लिश कंपलसरी होने चाहिए। फिर चलते हैं भाई हम नीचे, यहाँ पर इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड में, अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में जा सकते हो, और कौन से लेवल का होना चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल लेवल का आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का भी चल जाएगा। और भाई कौन सी पोजिशन होनी चाहिए, 1st या 2nd पोजिशन होनी चाहिए, और 2 साल वैलिड होना चाहिए। और यहाँ पर भाई जो इन्होंने हाइट चेस्ट वेट में छूट दी है रिलेशन वाले बंदों के लिए, और अडॉप्ट जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और आउट स्पोर्ट्समैन कैंडिडेटों के लिए। और भाई नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रैली में आपका होगा वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, आपको कितना टाइम मिलेगा और कितने नंबर मिलेंगे, कौन कौन सी क्रिया आपकी चलेगी, ठीक है, आप इसे भी चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, फिर हम नीचे चलते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में, भाई यहाँ पर बताया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। और भाई आपका यहाँ पर बताया हुआ है राइट यानी कि CEE कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है भाई, आप इसे भी पढ़ लेना। और भाई आपको मैं बता दूँ, आप अगर इस भर्ती में जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को देख लेना, तो जिस मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ओपन और रिलेशन भर्ती में लेके जाने चाहिए, तो भाई आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, इसमें नीचे खास कुछ है नहीं, अगर आपके पास NCC है तो उसे भी आप ले जा सकते हैं, उसमें भाई आपको काफ़ी फ़ायदा है। अगर NCC ABC है तो भाई उसमें आपको नंबर मिलते हैं, और सी में भाई आपका टेस्ट फ्री होता है, और सी के ऊपर भी भाई मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, आशा करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई ये वीडियो स्पेशल उनके लिए जो भाई हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर भाई अब ओपन
जो रिलेशन भर्ती निकलती हैं ओपन और रिलेशन, उनकी वीडियो भी अपलोड करे करूँगा। और भाई इसमें यानी कि रिलेशन भर्ती तो मैं अपलोड करता ही रहूँगा और आपको हर प्रकार की इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप भी हिमाचल प्रदेश से हैं तो भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो आपके फ्रेंड हैं दोस्त हैं उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए कि हाँ भाई जो हमारी ओपन भर्ती निकल चुकी है। तो दोस्तों आशा करूँगा आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।